हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो CUET सैम्पल पेपर 2 की क्लासेस में आपका स्वागत है। CUET 2024 की तैयारी चल रही है दोस्तों, और जिसके कंटेक्स्ट में हम कर रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं CUET सैम्पल पेपर 2 को। चलिए, तो आपके सामने बारी से बारी क्वेश्चन आते जाएंगे और इनको आपको सलूशन करना है। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा आपको, देखिए ये है पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट एजेस आर दिस एंड दिस। सो सिंपल क्वेश्चन, सोल्यूशंस यहाँ पे मैंने कर दिया है और आपको केवल करना है क्या, इन सोल्यूशंस को देखना है और इनकेस अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आपको बताना है। तो फार्मूला सिंपल होता है, कितना मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। यस, आपका अगर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता है तो एडजेसेंट साइड्स की ए और बी का आपको मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकलता, तो बहुत ही सिंपल। ओके, स्कीम आपको पता है, CUET में शुरुआत के जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। ओके, तो ये कंपलसरी क्वेश्चंस में से है। ओके, 15 के से 15 आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, सी इक्वल टू दिस, देन सच एज परपेंडिकुलर, ईच इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ द, ईच इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू, देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू। ओके, देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ए बी सी का दिया गया है और कह रहा है कि ईच वन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू, मतलब कि एक जो है दो के बाकी दो के सम के परपेंडिकुलर है। तो क्या लिखोगे, जैसे वैक्टर ए है वो दो बाकी दो के परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी क्लॉस सी इक्वल टू जीरो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू जीरो, ये बन जाएगा। ओके, सिमिलरली बी डॉट ए प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड सिमिलरली सी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। यदि हम तीनों रिलेशंस को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास एक रिलेशनशिप आ जाएगी, टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू जीरो। हमें फाइंड क्या करना, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास पड़ा है कि किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू वैक्टर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 9, 16, 25 एंड जीरो। सो करेक्ट आंसर इसका मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 50 आ गया। सो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5√2। बहुत ही काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो बाकी खुद से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको अलग से करा रखा है, वैसे बताया था मैंने इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये मेथड आप मत लगाइए। इसको मैंने ये कहा था कि आपके पास एक प्लेन पर बी है, एक प्लेन पर सी है और ए परपेंडिकुलर है, तो ये जो ए परपेंडिकुलर है तो ये बी है ये सी है, तो ए इज इक्वल्स टू मैंने क्या बताया था, ए इज इक्वल टू लैम्डा बी क्रॉस सी, ए इज इक्वल टू लैम्डा बी क्रॉस सी। अब आप दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड लेते हैं, है ना, तो दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड, तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ लैम्डा मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी साइन थीटा मॉड ऑफ साइन थीटा। ओके, एंड मॉड ऑफ एन कैप, मॉड ऑफ एन कैप कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, और सारी वैल्यू पुट कर दो आपके पास सब कुछ आपके पास में, तो मॉड ऑफ क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो 1, इधर मॉड ऑफ लैम्डा इधर भी 1 इधर भी 1, एंड साइन 30° इज इक्वल्स टू साइन 30° इक्वल टू 1/2। सॉल्व करने पर लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 2 आती, काफ़ी जल्दी मैंने कराया क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है आपके सैम्पल पेपर सॉरी UPTGT की जो मैंने एक्सरसाइज कराई है वहाँ पे मैंने इसको डिटेल में करा रखा है ना, ही होप इतना भी आपके लिए काफ़ी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर दीज दीज एंड दीज आर कोप्लेनर। भाई सीधा फार्मूला है कि अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सदिश अदिश त्रिगुणन कितना होता है, 0 होता है। सो वी हैव द वेक्टर 2-3, 4 ओके 1, 2-1 एंड m-1, 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये 0 हो जाएगा और ये सॉल्व करने पर m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 8/5। सो करेक्ट आंसर ये अपना m इज इक्वल्स टू 8/5 के लिए वैल्यू जो होंगी वैक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि इफ़ द पोजिशन वैक्टर ऑफ एन पॉइंट p विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन o इज दिस एंड दैट अ पॉइंट इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, देन वॉट इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ द बाई सेक्टर ऑफ POQ। तो इसको ऐसा समझो, ये o है और ये आपका p है और ये आपके पास q है। ओके, आपको एंगल बाई सेक्टर बताना है। नाउ वॉट इज P वेक्टर कितना है, P वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। ओके, एंड Q वेक्टर कितना है, 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ये आपके पास में। ओके, अब देखो
क्या है कि आपके पास में ये जो दो वेक्टर्स तो आ गए, अच्छी बात है। अब इनका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका इस वाली सेट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 3 स्क्वायर 9 प्लस 4, मतलब ऐसे निकालते हो ना, 9 और 1 और 4, 9 4 13 1 14, तो अंडर रूट 14 इसका भी, अंडर रूट 14 इसका ही है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल की गारंटी है। और जब आइसोसेलेस ट्रायंगल की गारंटी, तो आपको इसका एंगल बाइसेक्टर जो निकलेगा वो क्या होगा, एंगल जो बाइसेक्टर होगा वो इसका मीडियन बनेगी, मीडियन मतलब इन दोनों का हाफ बनेगा। सो मतलब ये जो निकलेगा वो बनेगा डेफिनेटली इट विल बी वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू बाई टू। तो पी कितना है, आई कैप प्लस थ्री जे कैप, तो आई प्लस थ्री यानी कि कितना हो गया, चलो वैसे ही निकाल लेता हूँ। तो इसके पॉइंट क्या है, 1 3 माइनस 2, तो इसके पॉइंट है 1 3 माइनस 2, और नीचे वाले के पॉइंट क्या है, 3 1 माइनस 2, चलो तो 3 प्लस 1 4, 4 का हाफ हो जाएगा 2 आई कैप, 3 प्लस पी प्लस क्यू बाई टू, हाँ एंगल पी ओ क्यू के द्विभाजक का स्थानीय सदिश आपको बताना है ना, ठीक तो चल रहे हैं अपन, तो दोनों का आपको बाइसेक्टर कर देना है। ओके ठीक है, सो 1 प्लस 3 अपॉन 2, मतलब कि 2 आई कैप, 3 प्लस 1 4 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 जे कैप माइनस 2, ये 0 जे कैप, मतलब कि कितना हो गया, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 0 के कैप हो गया एक तरीके से। तो देखिए आपके पास क्या समझ में आ रहा है कि ये जो है यहाँ पर आपके पास में नन ऑफ दीज आंसर आ रहा है, ओके, क्योंकि कोई भी आपको मैच नहीं कर रहा है, आपके पास कोई भी मैच नहीं कर रहा है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, लेट ए इज इक्वल्स टू अल्फा वेक्टर इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस जे कैप। तो सबसे पहले जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्फा वेक्टर इज इक्वल्स टू है अपने पास में 3 आई कैप प्लस जे कैप, दिस इज अल्फा वेक्टर, ओके, एंड बीटा वेक्टर इज इक्वल्स टू है अपने पास में 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, ओके बच्चों, एंड ये हो गया अपने पास में बीटा वेक्टर। अब कह रहा है कि जो बीटा वेक्टर है दिस इज इक्वल्स टू β1 माइनस β2, ओके, एंड वेयर β1 इज पैरेलल टू अल्फा, मतलब जो β1 वेक्टर है दिस इज पैरेलल टू अल्फा, तो β1 इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, के अल्फा या लेमडा अल्फा वटेवर, सो इसको मैं के अल्फा लिख देता हूँ, तो के टाइम्स ऑफ 3 आई कैप प्लस जे कैप बन जाएगा, ये अपना β1 बन गया, एंड β2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, और जो β2 है वो परपेंडिकुलर टू अल्फा है। सो यहाँ से आप β2 कैसे निकाल सकते हो, देखो सबसे पहले β2 इस तरीके से निकाल सकते हैं हम, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू β1 माइनस β2 है, तो β1 हमारे पास जो है ये निकाल चुका हूँ कि अल्फा, सो बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है, देखिए बीटा की वैल्यू मेरे पास दी गई है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, ओके, इज इक्वल्स टू β1 दैट इज इक्वल्स टू के टाइम्स 3 आई कैप प्लस जे कैप, ओके, और माइनस का β2, तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, यहाँ से आपके पास में β2 वेक्टर आ जाएगा, ओके। अब कह रहा अल्फा एंड β2 इज परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो अल्फा और β2 परपेंडिकुलर, तो अल्फा वेक्टर डॉट β2 वेक्टर इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपके पास में इसको करेंगे तो आपके पास k की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ओके, के की वैल्यू आ जाएगी। अब कह रहा है इतना होने के बाद आपको बताना है कि β1 क्रॉस β2 क्या होगा, तो इतना करने के बाद फिर आप β1 क्रॉस β2 निकालिए, क्योंकि के की वैल्यू आने के बाद आपके पास जो β1 वेक्टर है वो पूरा पूरा आ चुका होगा। तो इसको मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप लोग बच्चे लोग करके लाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर इंक्लोजिंग द एंगल थीटा एंड ए प्लस बी मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन 1 देन, तो अगर ए प्लस बी लेस देन 1 है तो आपको बताना है कि इसमें से थीटा की वैल्यू क्या होगी, आपको थीटा बताना क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो मॉडुलस है तो लेस देन 1 होगा, तो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ओके, मॉडुलस की कम से कम वैल्यू 0 होती है, तो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज लाइंग बिटवीन 0 टू 1, अब स्क्वायर कर दीजिए तो स्क्वायर बिटवीन 0 टू 1, इसको ओपन कर दो तो मॉड ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा इज 0 टू 1, ओके, यूनिट वेक्टर है, ओके, तो यहाँ पे लिखना ये भूल गए हैं, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, ओके, यहाँ पे हाँ लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर, ठीक है, सो यूनिट वेक्टर तो 1 1 एंड 2 cos θ इज लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब 2 प्लस 2 cos θ लेस देन और इक्वल टू 1, सो 2 cos θ इज बिटवीन -2 से लेके -1, ठीक है ना, 2 cos θ इज इक्वल्स टू -2 से लेकर के -1,
तो जो यहाँ पे एक ऐसी बात समझो आप कि 2 cos theta इज इक्वल टू माइनस 2 टू माइनस 1। अब यहाँ पे आप 2 का डिवाइड कर दो तो cos theta की वैल्यू जो होगी वो माइनस 1 से लेके माइनस 1 बाई 2 के बीच में लाई करेगी। cos theta की वैल्यू जो होगी माइनस 1 से लेकर के माइनस 1 बाई 2 के बीच में आपको लाई करेगी। अब आपको बताना है कि थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा। तो आप जानते हैं कि माइनस वन कहाँ तक जाता है, पाई तक जाता है, और माइनस वन बाई टू कहाँ तक जाता है, अपने पास में 2π/3 तक जाता है, है ना। यदि हम पॉजिटिव एंगल देखें जीरो से लेके पाई के बीच में, तो जो माइनस वन बाई टू कितने पे होता है, 2π/3 पे, और माइनस वन कितने पे होता है, पाई पे होता है, ठीक है ना। तो जो वैल्यू होगी वो कितनी जाएगी, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, वो जो होगी पाई से बड़ी होगी और 2π/3 से पाई से बड़ी और पाई से लेके कम। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि थीटा इज़ बिटवीन 2π/3 ओके एंड पाई से बड़ी। एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे इक्वालिटी जो है माइनस वन पे लगी है, ओके। इक्वालिटी किस पे लगी है, माइनस वन पे लगी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा, यहाँ पे इक्वालिटी जो है वो पाई पे लगेगी, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वालिटी जो लगेगी वो पाई पे लगेगी। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हल्की सी हुई होगी, थोड़ा सा मैं फिर से एक बार अपने मन से इसको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या क्या है, ओके। एक बार मैं आपको फिर से देखता हूँ, बताता हूँ कि इसमें आपने करना क्या क्या है, देखिए प्लीज़, ओके। तो देखिए फिर से इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। कह रहा है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी जो है लेस देन वन दिया गया आपके पास में, ओके। मॉड ऑफ ए प्लस बी जो है दैट इज लेस देन वन। तो कैसे करेंगे, मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन वन है, मतलब मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू जो होगी वो जीरो से लेके वन के बीच में लाई करेगी, जीरो से लेके वन के बीच में। सो यहाँ पे मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर कर दिया, वो कहाँ होगा, वो आपके पास में जीरो से लेकर के वन के बीच में आपका लाई करेगा। अब इसका होल स्क्वायर कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, जीरो से लेकर के ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लेस देन वन हो गया ये, ठीक है ना। अब इसके बाद वैल्यू पुट कर दो तो 1+1 एक 2 cos थीटा लेस देन वन। ए मॉड स्क्वायर की वैल्यू 1, ये यहाँ तक भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। सो 2+2 cos थीटा की वैल्यू जो होगी जीरो से लेके वन के बीच में लाई करेगी। सो 2 cos थीटा को मैंने अकेले कर लिया, सो 2 cos थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -2 से लेकर के माइनस वन के बीच में लाई करेगा। एक मिनट, 2 cos थीटा, हाँ बिल्कुल सही है। तो 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2 cos थीटा जो है, 2 cos थीटा इज लाइंग बिटवीन -2 टू -1। इसको समझिए, यहाँ से बस प्रॉब्लम होती है। सो cos थीटा की वैल्यू जो है -1 से लेके -1/2 के बीच में लाई करेगी, ओके। cos थीटा की वैल्यू -1/2 से -1 के बीच में लाई करेगी। अब यहाँ पर इनइक्वालिटी पलट गई है, ओके। यहाँ पर इनइक्वालिटी पलट गई क्योंकि दोनों तरफ आपने इनवर्स ले लिया है। तो याद रखिएगा कि कॉस का जो फंक्शन होता है वो डिक्रीजिंग होता है। यहाँ पर ये मैंने बनाया, देखिए ये कॉस का जो फंक्शन है, ये आपके पास कैसा फंक्शन आता है, डिक्रीजिंग फंक्शन आता है, इस तरीके से कॉस इनवर्स एक्स का। और जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन आता है तो जो साइन होते हैं आपके वो चेंज हो जाते हैं, ओके। तो साइन जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आपने कॉस लगाया, यहाँ तक आपकी सिचुएशन अलग थी, एक बार लिख देता हूँ मैं कि माइनस वन से लेकर के कॉस थीटा की वैल्यू आपकी -1/2 तक थी यहाँ पे, ठीक है ना। बट जैसे ही आपने डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई किया, जैसे ही आपने डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई किया तो कॉस इनवर्स -1, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो गया, ये कॉस इनवर्स कॉस ऑफ थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ थीटा, और ये तो इनइक्वालिटी चेंज कर दीजिए तो ये जो इनइक्वालिटी से पलट गई, और ये भी हो जाएगा कितना, कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, कॉस इनवर्स -1/2 कर लीजिए इसको, 1/2, ठीक है। तो अब इसकी जो वैल्यू है आपके पास में, ये कितनी वैल्यू होगी इसकी, देखिए ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, पाई हो जाएगी। सो थीटा की वैल्यू पाई से बड़ी हो जाएगी और कितना हो जाएगी, 2π/3 से छोटी हो जाएगी। तो ये है आपका टोटल ओवरऑल सॉल्यूशन, ओके, डन। चलिए तो दोस्तों ऐसे अगले क्वेश्चंस और भी हम लेकर के आएंगे, अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।